anime fans, ho jao ready to witness the ultimate anime blast. Anime Booth laya hai non-stop anime ki sogaat. Ab ye hui na baat. 24 hours Hindi mein dekhiye amazing shows back to back, Action Attack aur Comedy Bunch. Padega zordar. Only on Anime Booth. Anime Unleashed. वाह वाह बुधवास, आज बीच की सैर के लिए आए हैं क्या? थोड़ा बीच स्पोर्ट्स ट्राई करें क्या? अरे नहीं, मैं तो कहता हूँ सैंड कासल बनाते हैं। सैंड कासल? अरे हाँ, आज रात सोने का जुगाड़ हो जाएगा। अरे चुप रहो, हम बीच पर इसलिए आए हैं ताकि तुम दोनों के बीच एक कंपटीशन हो सके। कैसा कंपटीशन बॉस? नारियल फोड़ कंपटीशन। अरे वो तो मैं ही जीतूंगा। एक चुटकी में सभी पेड़ों के नारियल को आपके कदमों में डाल दूंगा बॉस, इन योर फुटस्टेप। हाँ तो मैं क्या मटर छिलूंगा? तुझसे पहले मैं तो बिना चुटकी बजाए कर दूंगा। मैं सिर्फ देख के ही कर सकता हूँ। अरे जा, मैं बिना देखे कर दूंगा। मैं तो सिर्फ सोच के ही कर दूंगा। भाई मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे दिमाग होगा तब सोचेगा ना। देखते हैं किसकी बुद्धि ज्यादा तेज है। चुप। वहाँ देखो, मार्क किए गए दो नारियल के पेड़ हैं। ओके? हाँ बॉस। देखे बॉस, तुम दोनों को उन दोनों पेड़ों से नारियल इकट्ठे करने हैं, वो भी बिना जादू किए। ओके समझ गए? दोनों पेड़ के ऊपर चढ़कर जितना हो सके उतने नारियल निकाल लाओ। जो ज्यादा नारियल लाएगा वही जीत जाएगा। बिना जादू के तो थकेला ही जीतेगा। हाँ सपने में, असली में तो पकेला ही जीतेगा। तुम दोनों के पास सिर्फ 2 मिनट हैं। जो सबसे ज्यादा ऊंचा नारियल का पेड़ बनाएगा वो जीत जाएगा। कम ऑन, रेडी स्टडी गो। खुद भी ना सही, पर दूसरे पर तो जादू करने से मना नहीं किया बॉस ने। अरे ये तेल कहाँ से आ गया? अच्छा अभी ले। कंपटीशन का टाइम पूरा हुआ, अब रिजल्ट की बारी। ये देखिए ना बॉस। उसे छोड़िए, इधर देखिए, उससे बड़ा ढेर है बॉस। वाह पकेला, ढेर तो काफी बड़ा है लेकिन पत्थर का है। देखिए बॉस, आपको नारियल पानी की जगह पत्थर का पानी पिलाना चाहता था। अरे नहीं नहीं बॉस, ये तो चीटिंग है। थकेला ने जादू से ये किया है, इसे डिस्क्वालीफाई कर दीजिए बॉस। अच्छा, बॉस को उल्लू समझाएगा? उल्लू? अरे मेरा मतलब है, बॉस को सब पता है, जादू तुमने भी किया है। पकेला इतना इनोसेंट बनने का जरूरत नहीं है। डोंट बी सो इनोसेंट एंड ऑल। ओके, पर पहले तुमने किया था ना। कितना झूठ, पहले तुमने किया था? हद है यार, भलाई का जमाना ही नहीं है, सच्चाई का तो कोई साथ ही नहीं देता, अजीब प्रॉब्लम है। डायलॉग मारना छोड़ो, मैं जीता हूँ। मैं मी विंस। ए जा जा, मैं जीता हूँ। मैं जीता हूँ। मैं। मेरे मना करने के बावजूद तुमने जादू किया और मेरे गेम का रूल तोड़ा। अब मैं क्या करूँगा? क्या बॉस? जादू किस पर? तुम दोनों पर। थैंक यू, थैंक यू गाइस। भाई क्या डांस कर दे हो यार, क्या डांस कर दे हो। अरे डांस क्या, तुम तो हवा के झोंके की तरह लहराते हो। फ्लो भी अच्छा, स्वैग भी हटके है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उदास दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम किसी बात से बहुत परेशान हो। परेशान तो है ही, तभी तो हम लोगों को देख पा रहा है। ओह
हमने नोटिस ही नहीं किया। खैर इन्हें छोड़ो, ये बताओ जस्टिन की तुम्हारी परेशानी क्या है? पहले ये बताइए आप लोग कौन हैं? दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दोस्त। वैसे तो हम भूत हैं, मगर सबकी परेशानी दूर करते हैं। भूत? ना ना ना, डरो मत। ये समझ लो कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए। अपने दिमाग में मत लो इतना लोड। जो भी परेशानी है कर दो हमारे सामने डाउनलोड। मैं हूँ जस्टिन, मेरा एक डांस ग्रुप है, हम इवेंट्स में डांस परफॉर्म करते हैं। अरे वाह, लेकिन आज तुम अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हो? क्योंकि मेरा पूरा ग्रुप बीमार है। पूरा ग्रुप एक साथ बीमार? पर कैसे? इसके पीछे हमारे राइवल ग्रुप रॉबी एंड कंपनी का हाथ है, जो हमसे बेटर डांस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमसे जलते हैं। कल हमें एक बड़ी कंपनी के इवेंट के लिए बुलाया था, वहाँ रॉबी भी परफॉर्म करना चाहता था, इसीलिए उसके ग्रुप के साथ आया था। दोनों ग्रुप्स को देखकर मैनेजर ने कहा कि जल्द ही कंपनी के ऑडिटोरियम में एनुअल अवार्ड फंक्शन है, जिसमें एक ही ग्रुप परफॉर्म कर सकता है, इसलिए जो बेटर ग्रुप होगा उसको ही मौका मिलेगा। कल हम दोनों ग्रुप्स का परफॉर्मेंस है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन मेन इवेंट में परफॉर्म करेगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम मिस नहीं करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? रॉबी और ग्रुप हमसे अच्छा डांस तो कर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने चाल चलकर हमें धोखा दिया। धोखा? पर कैसे? अपनी झूठी बर्थडे पार्टी में बुलाकर। अरे रुक जा बंटी, जब देखो तुझे खाने की पड़ी है। हा? रुक जा, मत खा, बाद में खिलाऊंगा। क्या हुआ रॉबी, इसे खाने क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारे ग्रुप का कोई और भी नहीं खा रहा। वो क्या है ना, मेरी टीम को कल परफॉर्म करना है, इसलिए उन्हें बीमार नहीं पड़ना। क्या मतलब? अब कर अपने ग्रुप के साथ कल डांस। खाने में पेट गड़बड़ की गोलियां मिलाई थी, इसीलिए तेरी पूरी टीम की 2 दिनों तक हालत खराब रहेगी, और परफॉर्मेंस मेरी टीम करेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ग्रुप के सब लोग बीमार हो गए, लेकिन तुम क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैं बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ, मुझे सिर्फ घर का खाना ही अच्छा लगता है, मम्मी के हाथों का। वाह, एक अच्छी आदत ने तुम्हें बचा लिया है ना। लेकिन मेरे ग्रुप का परफॉर्मेंस नहीं बच पाया। अब देखो कैसे अपन लोग तुम्हारे ग्रुप को नचाएगा। मतलब? वो कल पता चलेगा। डाम, 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 चलो करे पाप खत्म। रॉबी बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खा के आ जाए। चुप चुप चुप, खाना पीना जो भी करना है सब परफॉर्मेंस के बाद। सो लेट्स स्टार्ट द परफॉर्मेंस। दो ग्रुप में जो अच्छा डांस करेगा वो फाइनल इवेंट में परफॉर्म करेगा। तो बताए पहले कौन आएगा? हम सर, क्योंकि वो क्या है ना, आज भी हम ही परफॉर्म करेंगे और कल भी हम ही होंगे। सही कहा ना जस्टिन? डोंट वरी जस्टिन, हम लोग हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम कंटिन्यू करते हैं। What is this, Robbie? हमें डांस शो चाहिए था, कॉमेडी शो नहीं। सर कभी कभी दो बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, कल नहीं होगी। आप बैठिए ना, बस हमारा फाइनल स्टेप देखो। रॉबी वेरी सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहते। इस बार नो मिस्टेक्स, कम ऑन। I think you need more practice. आप लोग फाइनल इवेंट में परफॉर्म नहीं कर सकते। Let's see Justin and team's performance.
परफॉर्म तो जस्टिन भी नहीं कर पाएगा। मैं करूंगा। अकेले? तुम्हारी टीम कहाँ है? जाओ जस्टिन, हम पर भरोसा रखो। डांस स्टार्ट तो करो, टीम अपने आप आ जाएगी। टीम भी आएगी, डांस भी होगा और हम जीत भी जाएंगे। बस तुम देखते जाओ रॉबी। वेल, द स्टेज इज योर जस्टिन। फाइनल इवेंट में भी चाहिए, आप ही के ग्रुप से। मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करवाता हूँ। प्लीज जस्टिन, कल ऑफिस आकर पेपर साइन कर लेना। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस जस्टिन। सॉरी यार, मैं भूल गया था, टैलेंट को कोई चीज नहीं रोक सकती। नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ मेहनत से तुम्हें हराने की कोशिश करूंगा। ये नए टीम मेंबर्स हैं क्या? हम तो भूत लोक के मेंबर्स हैं। पृथ्वी लोक के मेहमान हैं। हम हैं दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए घोस्ट। डरो मत, हम सिर्फ परेशान इंसानों की मदद करते हैं। Only the needy, not the greedy। और जो खाने में गोलियां मिलाता है उन्हें सबक सिखाते हैं। मतलब? जी हाँ, ये हमारा ही जादू था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जस्टिन प्लीज मुझे माफ कर दे। आज से ये दुश्मनी खत्म, डांस शुरू। हाँ श्योर बड़ी, मैं भी यही चाहता हूँ। वाह वाह वाह, आज से सब एक साथ परफॉर्म करो और ग्रुप का नाम रोशन करो। जस्टिन, रॉबी एंड फ्रेंड्स, राइट?